गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप मनी प्लांट को बहुत ही इजीली प्रोपगेट कर सकते हैं। आपने कटिंग वगैरह से प्रोपगेशन के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, पर मैं आपको एक डिफरेंट तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप प्रोपगेट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मानसून चल रहा है, बारिश हो रही है, तो इस टाइम पे किसी भी प्लांट की प्रोपगेशन का बहुत अच्छा सीजन है। और जिस मेथड से मैं आपको बताऊंगा उसके सक्सेस रेट 100% है। अगर आप उस तरीके से प्रोपगेशन करते हो तो आपका प्रोपगेशन कभी भी अनसक्सेस नहीं होगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बात करते हैं कि कैसे आप मनी प्लांट को बहुत ही इजीली प्रोपगेट कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम सॉइल मिक्सचर की बात कर लेते हैं कि हमें कौन से सॉइल मिक्सचर में हमारा वो प्लांट लगाना है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक गमला लिया है जो कि काफ़ी छोटा है, और इसके अंदर जो मैंने सॉइल मिक्सचर लिया है उसके अंदर मैंने मिट्टी बिल्कुल नहीं ली है। इसके अंदर मैंने सैंड ली है, कोकोपीट ली है, और मैंने जो मेरी होममेड कंपोस्ट है वो ली है। इसके अंदर मैंने मिट्टी बिल्कुल भी नहीं ली है, क्योंकि जो मिट्टी है वो पानी को खड़ा रखती है। और अभी आपको पता है कि मानसून चल रहा है, तो अभी के टाइम पे अगर हम किसी भी चीज़ का प्रोपगेशन कर रहे हैं और उसको अगर मिट्टी में लगा देते हैं तो हमारे जो प्रोपगेशन हम करते हैं, हमारी कटिंग्स वगैरह जो होती है उनकी सक्सेस रेट कम हो जाती है। इसलिए अगर आप इस टाइम पे हम मिट्टी ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए बस आप ये लाइट वेट सॉइल मिक्सचर बनाएं। और इसके लिए जो मैंने गमला लिया है, नॉर्मली गमला है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें ये प्रोपगेशन करना है। तो आप सभी को पता है, मनी प्लांट जब हमारे गमले में होता है तो उसमें छोटे छोटे पब्स निकलते हैं इस टाइम पे। तो मेरे भी जो मनी प्लांट है उसके अंदर पब्स निकले हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार वो पब। ये आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा इसी के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा पब निकला हुआ है। अगर हम इसको इसमें से निकाल के दूसरे गमले में लगाते हैं तो ये तुरंत ये उसमें अपनी जड़ें पकड़ लेता है और जो अपनी ग्रोथ है वो स्टार्ट कर देता है। और ये प्रोपगेशन बहुत ही इजी होता है, इसमें जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है बजाय कटिंग के। तो चलिए अब हम इसको इससे बाहर निकालते हैं। तो ये जो हमारा पब है, इसको निकालने के लिए मैं स्क्रू ड्राइवर की हेल्प ले रहा हूँ, जिससे इसको क्या है, हम सीधा मिट्टी में डालेंगे और एक साथ जो सारी मिट्टी है अपने रूट बॉल के साथ निकल आएगी, जिससे जो हमारा पब है उसकी रूट्स है वो डिस्टर्ब ना नहीं होगी। तो अब हम एक बार इसको इससे बाहर निकाल लेते हैं, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। यह काम आप बहुत केयरफुली कीजिए, जिससे जो आपके बाकी जो पूरा प्लांट है वो भी डिस्टर्ब ना हो और जो आपका रूट बॉल है वो भी बहुत इजीली निकल आए। तो आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ही इजीली इसको इस गमले से बाहर निकाल लिया है, और आप इसमें रूट्स भी देख सकते हैं कितने अच्छे से डेवलप हो रही है। ये आपको दिख रही होगी, इसमें बहुत अच्छे से रूट डेवलप हो रही है। अब हम इस प्लांट को हमारे इस गमले में लगाएंगे जो हमने गमला लिया है। तो उसके लिए पहले हम थोड़ी सी जो मिट्टी है उसको साइड कर लेते हैं, और नॉर्मली बिना रूट बॉल डिस्टर्ब किए हुए जो हमारा प्लांट है उसको हम इसमें रख देते हैं, और वापस जो हमारी मिट्टी है उससे इसकी जो रूट्स है उनको कवर कर देते हैं। अगर आप इस मेथड से प्रोपगेशन करते हैं तो आपकी जो सक्सेस रेट है वो 100% होती है, और जो आपका मनी प्लांट है उसकी जो आप प्रोपगेशन करते हो वो कभी भी डाई नहीं होगा, और 100% जो आपका मनी प्लांट है वो सक्सेस होगा। तो ये एक छोटा सा मनी प्लांट हमने तैयार कर लिया है इस बड़े मनी प्लांट में से। तो अब हम इसके अंदर पानी डाल लेते हैं, तो हम जो हमारा बेबी प्लांट है उसके अंदर पानी डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने बहुत ही इजीली हमारे एक मनी प्लांट से दो मनी प्लांट बना लिए। तो बस ऐसे ही आप भी आपके मनी प्लांट को प्रोपगेट कीजिए और आपको इससे 100% रिजल्ट मिलेंगे, और आप जो आपकी गार्डनिंग है उसमें कभी भी फेल नहीं होंगे, आपका प्रोपगेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही अपने मनी प्लांट को प्रोपगेट करते रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियो शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम आप बेल आइकन जरूर दबाएं, नहीं तो आपको जो मेरी अगली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। थैंक यू सो मच।